सारंग मेरी तरफ राम राम। सास बहु गतड़ का यूट्यूब चैनल पर सारंग स्वागत है। और एक थाने चेहरे खतरे एक अच्छी सी चीज बताऊं मैं तो, चेहरे पर बहुत ही सुनी चमक आ जी और चेहरे पर ग्लो भी आ जी। तो एक नॉर्मल सी घरेलू उपाय है, सिंपल थे, ट्राई करके देख लियो। तो थोड़ा सा थे पुदीने का पत्ता ले लियो, थोड़ा सा ताक सा और नीम की पत्तियाँ ले लियो और थोड़ी सी बज की मेट हुए बिने कूट ले, कूट के और वो पाउडर सो बना ले। तो चमची भर के वो मिला दियो, पहला बिन मिक्स यू पीस लियो नीम का पत्ता और पुदीने का पत्ता का, या चलो कोई चीज़ कूट के भी थे बना उसको पेस्ट एक। तो दोनों चीज़ों का पेस्ट बना के थोड़ी सी चमची एक बार मेट भेगे और भी मिक्स कर ले, तीनों चीज़ मिक्स करके चेहरे पर लेप लगा लिए 15 मिनट के लिए। वो चेहरे पर 15 मिनट के लिए लेप लगा लिया, बाद में जब चेहरों धो नहीं, पहला चे फेस वो सूख थे क्यों भी दोस्त को चेहरों, बाद में जब चेहरों धो लियो नहीं तो भी बाद में साबुन के फेस वॉश कुछ भी कौन लगानो थे दूसरे दिन तक। और वो फेस पैक जो बनाओ नहीं थे एक्स्ट्रा बना के फ्रीज में भी रख सको 3-4 दिन को, वो खराब को नहीं हुए। तो 3-4 दिन को एक्स्ट्रा बना के रख लियो और लगोता रूटीन में थे लगाओ, जगह भी चेहरे पर दाग धब्बा कुछ भी है भी चेहरे पर चमक को नहीं तो भी बहुत ही सुनो जी चेहरो साफ साफ इतने सुनो चमक आज सी। और बाकी जो एक मैं कॉफ़ी को थाना बताया नहीं, एक चम्मच कॉफ़ी थे भी लगानी है चेहरे, कई पूछे भी क्या मैं लगानी है तो थे हल्कुस पानी गाल लियो बिन गोल के और वो पैक थे से चेहरे पर लगा उसको, जो अपने धूप उकाड़ो इड़ो है चेहरों तो वो एकदम बिल्कुल साफ हो जाए। बहुत ही सुनो तरी हाथ कौन फिर नो ज़्यादा लगा के छोड़ दियो, फिर गिल्लो हो करके या गिल्लो सूती कपड़ों करके धीरे धीरे चेहरा साफ कर लो, फिर मुँह धो लियो तो चेहरों बिल्कुल इंसाफ हो जी सी। तो छोटी छोटी चीज़ा आप घरेलू कराने तो चेहरों खराब भी कौन है और सही भी रहे और चेहरे पर चमक बनी रहे। कई बनी आप उम्र छोटी वे उल्टा सीधा की लगा के चेहरों इतो खराब हो जाए, बड़ी उम्र बहुत ही मोटी लाग बोक रहे बिजन कर कितने साल की होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो तो बहुत भी चेहरों और बहुत सुनो साफ रहो, अभी भी खराब कौन है। केमिकल की चीज़ा ना यूज करके देसी और घरेलू चीज यूज करा तो मेरे फायदा भी बहुत है, अपन नुकसानदायक भी कोनी भी वे खराब कर जीरवा चीज कोनी। तो थे ट्राई करके देख लियो। और एक थाने मैं बता सी वीडियो में भी मैं पहला थाने इं कौन बताया थे मैंने पूछो नहीं जकंग सफेद बाल हो गया जकंग कि भूरा बाल है लंबा कौन बताया। तो पिंग लिए एक बहुत अच्छा तेल आ गया, वो भी मेरे कंपनी में कोनी मार्केट में आए, मार्केट में वो तेल आए है। तो किंग रिजल्ट मैं देखूँ तो बिंगा काला बिल्कुल सिल्की सिल्की बाल का घना घना बद गया। तो वो तेल मैं आज मंगाया हूँ, अगर आज वो पहुँच गए मेरे तक तेल तो कल वाली वीडियो में थाने दिखा सियाँ और मैं पहला यूज कर सियाँ, फिर अगर मार फायदो हो तो थाने मैं जरूर बता सूँ भी हाँ जकंग सफेद बाल है तो वह भी काला हो गया। क्योंकि आदित्य सागर का कई बाल है सफेद हो गया क्योंकि आजकल बच्चा पता नहीं के कमी होगी शरीर में, तो छोटा हूँ लेकिन पहला उम्र के अनुसार हूँ था भी सफेद बाल, अब तो छोटा छोटा बच्चा है जिसका 3-4 साल का बंग भी हुए। तो मैं तेल मंगाया भी नाम तो अजीब से बताया पर वो देखा आने पर भी नाम मैं थाने बता सू आज मेरे मंगवाइड है तो भी हो जाए के पर रिजल्ट देखियो तो बंग तो गयो बंग है भाई नान की छोटी सी तो बिंग कोई नहीं बुरा बाल या अजीब सा कोजा। तो बंग लगाए सिर्फ 2 ही बोतल लगाई है पूरा काला बाल हो गया सोना चमकीला हो गया। तो मैं भी अब ट्राई करूँ सागर आदित्य पर और मंगा गए हूँ वो यूज भी करूँगा, जब भी रिजल्ट आसी तो थाने जरूर बता सूँ और बाद में भी सारा दिक्कत तो है ही बताने में के लगा, अगर जो फायदो आवे नॉर्मली चीज़ हूँ तो अपना बताने में के लगा। देखो रोज की अगर डाई भी करे तो डाई भी तो खतरनाक हुए आँख आँख रोशनी भी कमजोर हो जाए भी जी खम्बा डाई खराब कर जाए क्योंकि केमिकल की बने रही है। हाँ वो सिंपल तेल है क्यों सिंपल भी तेल तो आप यूज कराई हाँ भी जद भी सिर दुआ ची सरसों को तेल लगावा ची आंवला को लगावा चाहे ओ मे ओके लाइफ केयर में जो को दे रखे ओनियन नालो ओ भी लगावा तो तेल तो आप लगावा किसी भी लगावा तो वो सीधो सिंपल तेल है और वो खराब करना अभी को नहीं तो लगा सका। तो पहली बात अभी पहला था थोड़ा सा बताया हूँ यूज में कर सियाँ रिजल्ट आ सी तो मैं थार तक पुगाऊँगी, अगर थे मंगवाना चाहो बाद में तो मैं ज़रूर पुगाऊँगी था नाम भी बताऊँगी और मेरे जान वो फर्क थे मिल भी जाए पर मिंग नाम अजीब सो मैं पहली बार सुनूंगी तेल को नाम है तो मैंने वो यहाँ खुशी हो रही है कद सी अब
मैंने 5 दिन हो गया फोन करते भी तेल खतर भी दो मेरे ताई पुगा दियो पुगा दियो पुगा दियो, आज थोड़ी सी बात हो ये भी आज थार पुगा दे। तो भाई आए डी हाँ भाई भी वो रिजल्ट देखे तो भाई इज्जत गई लग रही है कि आप भाभी मंगाओ हाँ चलो आप यूज भी कर सियाँ अपने भी कर सियाँ बच्चा भी सागर आदित्य की थोड़ी सी हो रही है दिक्कत। और कल भाई थे बोलिया नहीं कि आदित्य ले तो आदित्य थोड़ो शर्मिलो है वो वीडियो में आनो कौन सा है जीव सागर है कभी वो भी आ जाएगो फिर वो थोड़ो यहाँ शर्मिलो सेंज कौन आनो कौन सा कह नहीं मम्मी मन वीडियो बना लो फिलहाल तो वो स्कूल गेड़ है मैं एकली बनाऊँ। आज भाई मेरी लगाई है क्लास बहुत तकड़ी क्लास लगाई है बाकी लगाई है कि गारो गाओ लिपो मैं गारो गाऊँ बाबड़ा लीप सी तो भाई क्योंकि मेरे पका बाहर बैठ के कौन लिपी जाए तो भाई लीप सी पर मैं बन पकड़ा देश तो भाई गारू लीप से आंगन में आज तो बहुत तकड़ी कार्रवाई चल रही है मैं तो 2-3 दिन हो गया भाई मेरे लारे पड़िया ने फिर मैं आज के क्योंकि काम करते करते 12 बजे बाद में आंगन में बहुत ही तकड़ो तावड़ो आज ताड़ो बाद में जिदो रो सोन लग जाए मेरी भी तबीयत आजकल 2-3 दिन का डाउन से मन चक्कर आने लग जाए तो इन खातर मैं कभी भाई टालती रही मैं तड़के पीरूँ वह कहते तो भाभी टालता ही रो टालो ना ही मैं भाई मेरे तो आगे ही बहुत काम है तो आज वह कह कुड़के बूंदर आई गयो तो आज मेरी खेर कौन है मन कारोगा आगे भाई पकड़ानो उसे तो काम लाग सी 3-4 दिन मैं फ़ोन कौन अटेंड कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत खराब ही मन चक्कर आओ बहुत ही शाम ने सिखा 4:30 बजे से मैं फोन करियो 2-3 जना से बात हुई भाई बोलिया थे फोन तो सोचो रखो तो भाई इंसान हूँ मशीनरी में भी खराबी आ जाए जो मशीनरी में कभी खराबी आई जाए तो थोड़ी सी तबीयत डाउन होगी मेरी तो यही खातर थान ध्यान है जब तबीयत आपकी सही ना है तो फोन फान पर बात करने तो जी कौन करे तो मैं कौन कर सकी बात है और देखूँ आज भाई ने घर गुरु लिपा दूँ अगर टाइम मिलियो तो मैं सी मोन कर सूँ और अगर टाइम ना मिलियो तो भाई थोड़ा सा माफ़ करियो थे भी समझियो थे भी इंसान हो भी हाँ दुख तकलीफ हो जाए शरीर में तो सारा मेरी तरफ राम राम और कमेंट शेयर लाइक जरूर जरूर करियो सब्सक्राइब कर लियो तो राम ही राम लागा काम